कौन सा कट ऑफ सही होता है और कैसे कट ऑफ को डिसाइड करें, कैसे कट ऑफ को एनालाइज करें और उसके क्या पैटर्न होंगे कट ऑफ के, अगर इस बार इतना है तो अगली बार क्या होगा। तब लोगों को पता होगा पिछले 4-5 सालों में ये कट ऑफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसा क्या हम समझ लें कि बच्चों का लेवल कम हो गया है या क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया है। दैट इज़ द काइंड ऑफ कट ऑफ दैट आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड। यू शुड नॉट बी अ कट ऑफ चेजर, बिकॉज कट ऑफ चेजर कहीं नहीं जाते हैं लाइफ में। हाय, मैं हूँ डॉक्टर खान। जोश की फैमिली ने मुझे अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनके परिवार में, उनकी फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जोश टॉक को सुनते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि ऐसे बच्चों के लिए केएसजी के फैमिली ने जोश के फैमिली के साथ जुड़ करके एक स्कॉलरशिप तैयार किया है जो टैलेंटेड बच्चों को पहुँचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं जोश की तरफ से आपको रेगुलरली मिलता रहूँगा और इस एग्ज़ाम की जो भी टिप्स ट्रिक्स और मेरी एक्सपीरियंस है 30 सालों की उसको भी आप तक पहुँचाऊँगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज कभी भी नहीं आएंगी, ये जोश के माध्यम से मेरा वादा है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं कि फुल कोर्स करें केएसजी के साथ, तो नीचे गए दिए गए लिंक पे आप उसको टिक करके और उसको भर करके आप जोश तक पहुंच सकते हैं और आपको पूरे कोर्स को स्कॉलरशिप के साथ जोश के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर खान एंड आई एम एड्रेसिंग यू थ्रू जोश फैमिली। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि पीटी के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा कट ऑफ सही होता है और कैसे कट ऑफ को डिसाइड करें, कैसे कट ऑफ को एनालाइज करें और उसके क्या पैटर्न होंगे कट ऑफ के, अगर इस बार इतना है तो अगली बार क्या होगा। दिस इज लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग ऑन अराउंड द इंटायर गैमट ऑफ कट ऑफ। मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं। प्रॉमिस ये कि आप कट ऑफ को टारगेट नहीं बनाएंगे। अबाउट 30 इयर्स प्लस दैट आई हैव स्पेंड इन दिस सेक्टर, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग इन लाइफ वेरी क्लियरली, कट ऑफ चेजर्स डोंट गो एनीवेयर इन लाइफ। तो कट ऑफ को आप चेज नहीं करेंगे, कट ऑफ की जानकारी रख लें, कट ऑफ समझ लें, कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, बट हाँ ये जरूर ध्यान रखें कि यू वुड नॉट बी वन पर्सन हु विल बी चेजिंग द कट ऑफ। द मोमेंट आपके दिमाग में कट ऑफ आ जाता है तो आप उतने ही प्रयास करते हैं, उतना ही मेहनत करते हैं। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जो मार्क्स आप पीटी में मिलता है आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, वो मार्क्स अल्टीमेटली ऐड नहीं होता है। तो जहाँ तक कट ऑफ है वहाँ तक ही मेहनत किया जाए। और कई बार दो चीज़ें होती हैं, या तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब रही या फिर कट ऑफ अपने आप में ही चेंज हो गया, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि कट ऑफ शायद लोग दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग देखते हैं। आपके पेपर वन में तो रिलेटिव कट ऑफ होता है और पेपर टू में एक डेफिनेट अमाउंट एंड अबव यू हैव टू गेट इट। आई एम श्योर आई नीड नॉट स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट दैट। बट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ ये रिलेटिव कट ऑफ है एंड आई एम श्योर सब लोगों को पता होगा पिछले 4-5 सालों में ये कट ऑफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। 98, 87, 88, ऐसे कुछ कट ऑफ 88.2, ऐसे कुछ कट ऑफ हो रहे हैं, अभी इस साल का भी पता लग जाएगा। तो ये दिस कट ऑफ हैव बीन कॉन्स्टेंटली हैज बीन गोइंग डाउन। सो इन सच ए कंडीशन जब ये कट ऑफ नीचे जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हम समझ लें कि बच्चों का लेवल कम हो गया है या क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया है। आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग बच्चे अब ज़्यादा स्मार्ट आते हैं। मुझे अक्सर पुराने IAS मिलते हैं, IPS मिलते हैं, पुराने सिविल सर्वेंट मिलते हैं और कई बार बोलते हैं मुझसे कि सर मुझे लगता है कि अब शायद हमारे से PT पास नहीं होता। सो दैट मीन्स द लेवल ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन गोइंग अप, द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन गोइंग डाउन। सो हर चीज़ रिलेटिव है यहाँ पे। तो कट ऑफ को अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो आई वुड लाइक यू टू बेसिकली कीप ए कट ऑफ विच हैज़ बीन इन लास्ट 5-7 ईयर्स में आया हो और उससे कम से कम 2-3 मार्क्स या 4 मार्क्स ऊपर रखें आप। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ कट ऑफ दैट आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड। बट
यहाँ पर एक चीज और आती है सामने कि कट ऑफ का फ्लक्चुएशन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स. अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं तो कट ऑफ का इफेक्ट और चेंज हो जाता है. मैं चाहूँगा कि आप अपना जब सेगमेंट वाला टेस्ट दे रहे हो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, तो उस टाइम में आप ये कोशिश करें कि आपका जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें कहीं कमी ना हो. बेसिकली आप देखें कि दो ब्रॉड कैटेगरी के क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं पीटी में. एक जिसमें किसी का आंसर वो गलत नहीं होता है, एवरीबडी इज एबल टू स्कोर सम डेफिनेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन दो सेगमेंट. एंड देयर सम एरियाज स्ट्रे एरियाज जिनमें किसी का सही नहीं होता है कुछ का, और कुछ में कुछ लोगों का सही नहीं होता है. तो दिस इज द सेकेंड ग्रे एरिया. इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है. जब आप अपना अपनी तैयारी कर रहे हो, अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस समय आप ये देखें कि जिन प्रश्नों में सभी के आंसर सही होते हैं वहाँ मुझे गलती नहीं करनी है, वहाँ मेरे आंसर गलत नहीं होने चाहिए. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपटीशन आपका वहीं है. स्ट्रे क्वेश्चन, आपका स्ट्रे क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, किसी और का स्ट्रे क्वेश्चन कुछ हो सकता है, किसी और का स्ट्रे क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है. लेकिन हाँ, स्ट्रे क्वेश्चन में सबकी दिक्कतें होती हैं, सबकी गलती होती है, बट जिसमें बाकियों की गलती नहीं होती है वहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक कट ऑफ के एनालिसिस के लिए आई सपोज यू हैव टू बी आइडेंटिफाइंग योर ओन इंडिविजुअल कट ऑफ फॉर सक्सेस रेट इन द एरिया विच इज योर स्ट्रेंथ, विच कैन बी एनवायरमेंट, which can be polity, which can be history, which can be culture, which can be whatever. I mean, you have to have your own mental cutoff ki isme in questions mein mere consolidate karke rakhne hain. Iske alawa cutoff ke andar aapko ek cheez aur main chahunga dekhne ke liye ki bahut baar ye cutoff se upar logon ka marks hota hai, but kai baar because of as they popularly call it silly mistake ki wajah se wo kai baar wo apne jo cutoff hai usse niche chale jate hain. I suppose कट ऑफ का इफेक्ट सिली मिस्टेक से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट मैंने अपने आप को इतना तैयार कर रखा है कि जो मेरे आंसर सही होने चाहिए वो वास्तव में सही हो रहे हैं, उनमें गलती होने के कोई चांस नहीं है. एंड दैट इज़ वन थिंग आई लाइक यू टू पर्टिकुलरली बी केयरफुल अबाउट. जहाँ तक कट ऑफ की एनालिसिस की बात करें तो मैं चाहूँगा कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और एक बार आपने उनको एक्सपोज कर लिया तो एक्सपोज कर लिया, वो आपके लिए फिर क्वेश्चंस नहीं रहते हैं. लेकिन अलग अलग आपके पास क्वेश्चन के सेट मिलते हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेट मिलते हैं. आई वुड लाइक यू टू एडवाइस वन थिंग कि जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो जब मॉक टेस्ट देते हो तो डू नॉट स्टिक टू वन सोर्स, डू नॉट स्टिक टू वन कोचिंग इंस्टीट्यूट. बिकॉज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपनी एक शैली होती है, एक उसका एक पैटर्न होता है. आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के, अलग अलग सोर्सेज के क्वेश्चंस बनाएं और फिर वहाँ पर देखें कि आपका एक कंसिस्टेंट क्या स्कोर आ रहा है किस सब्जेक्ट से. एंड दैट विल गिव यू ए फ्लेवर एंड दैट विल गेट यू टू डिटरमाइन दैट वेयर इज आई एम एक्चुअली लैंडिंग. एंड अगर वो आपको अपने एरियाज ऑफ कम्फर्ट मिल जाते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, अक्रॉस डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चन सेट्स, यू वुड बी इन ए करेक्ट पोजिशन टू नो दैट. एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी भी कंफर्टेबल जोन में जाकर प्रैक्टिस मत करें और कभी भी एक चीज़ जो कल पढ़ी है उसका कल टेस्ट नहीं करें. इससे नहीं पता लगेगा. आई मीन आई थिंक आपको पता है कि कई बार बहुत सारे ब्लड टेस्ट हम जब कराते हैं तो थोड़े दिन के लिए देर के लिए फास्टिंग करनी होती है, फिर उसके बाद आपकी जो रीडिंग्स आती हैं वो सही आती है. वैसे ही अगर आपने कोई सेगमेंट पढ़ा है अभी तो उसके लिए थोड़े से गैप दे दें, अब थोड़े दिनों का गैप दे दें, दो तीन दिनों का गैप दे दें और फिर उसके बाद वहाँ पे टेस्ट दें. ऐसा नहीं कि कल रात को मैंने पॉलिटिक ख़त्म की, फंडामेंटल राइट चैप्टर ख़त्म किया और कल सुबह में टेस्ट दे रहा हूँ. दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे हो, पीटी के क्वेश्चन जवाब दे रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूर एक फास्टिंग वाला पीरियड ज़रूर ऐड कर दें और वो फास्टिंग के बाद जो रीडिंग आएगी वो ज़्यादा सही होती है. एनीवे आई थिंक एज आई बिगेन माय डिस्कशन विथ यू एंड स्टार्ट टॉकिंग टू यू विथ अ प्रॉमिस आई एम एंडिंग अप आल्सो विथ द सेम प्रॉमिस कि यू शुड नॉट बी अ कट ऑफ चेजर बिकॉज कट ऑफ चेजर कहीं नहीं जाते हैं लाइफ में. और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग
इतने सिंसियरली जो स्टॉक देख रहे हैं, मुझे सुना आपने कई मिनटों से, आप एक कट ऑफ चेजर हो। आप कट ऑफ से बहुत आगे का एम करें, क्योंकि कट ऑफ कई बार, जैसे अगर हमें इतना दूर जंप करना है तो कई बार ये आगे पीछे हो जाता है, तो उससे दिक्कत आ सकती है। अगर ये मान लो रेंज है, आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए, एंड आई एम श्योर कुछ भी चेंज हो फिर भी आप सक्सेसफुल होते हैं। यू आर क्रॉसिंग द रियल एग्जामिनेशन, एंड माई बेस्ट विशेज इज ऑलवेज इज विथ यू। है, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।